आज की इस क्लास में हम कोरल ड्रॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोरल ड्रॉ स्टार्ट करने के लिए पहले इसको बंद कर लेते हैं। कोरल ड्रॉ स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडो 10 है, तो इसलिए थोड़ा सा स्टाइल इसका अलग आ रहा है। आपका हो सकता है विंडो 7 हो, तो वहाँ पर भी विंडो 10 और विंडो 7 दोनों के ही स्टार्ट बटन एक जैसे एक जगह होते हैं, 8 और 8.1 में थोड़े अलग होते हैं। चलिए हम बात करते हैं कोरल ड्रॉ की ओपन कैसे करना है। तो स्टार्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जिस प्रोग्राम को आपको ओपन करना है, जैसे कोरल ड्रॉ को ओपन करना है, तो कोरल ड्रॉ आप क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। यदि आपको कोरल ड्रॉ को डेस्कटॉप पर लेके आना है तो विंडो 7 में तो ऐसा होता है कि राइट क्लिक करते हैं जिस भी एप्लीकेशन को आपको डेस्कटॉप पर लेके जाना है, और यहीं पर सामने ही सेंड होता है, और सेंड पर क्लिक करके हम सेंड टू क्रिएट डेस्कटॉप पे क्लिक कर देते हैं तो डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, या तो आप पिन टू स्टार्ट पे क्लिक कर दें तो स्टार्ट पे पिन हो जाएगा, या फिर मोर में जा करके पिन टू टास्क बार, अगर आपको यहाँ पे टास्क बार पिन करना है तो टास्क बार पिन कर सकते हैं, या फिर अगर डेस्कटॉप पे लेके जाना है तो आप क्या करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। जैसे आप ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहाँ ये कोरल ड्रॉ इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है वो लोकेशन ओपन हो जाएगी, और जिसको जो भी एप्लीकेशन को आपको लेकर आना है, जैसे कोरल ड्रॉ को लेकर आना है हमें डेस्कटॉप पे, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ सेंड टू पे जाना है, और सेंड टू यहाँ पे डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट आ जाएगा, तो ये जो है आपका डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो इसको ओपन करने के लिए आप इसको इसके ऊपर डबल क्लिक एक साथ करेंगे और आपके सामने कोरल ड्रॉ ओपन हो जाएगा। तो हमने पहले से ही कोरल ड्रॉ ओपन करके रखा है, तो जब जैसे आप स्टार्ट करोगे तो कोरल ड्रॉ आपके सामने इस तरह से ओपन होकर के आ जाएगा। बात करते हैं, ये जो आप शुरुआत में देख रहे होंगे जहाँ पे कोरल ड्रॉ 1764 बिट वेलकम स्क्रीन लिखा हुआ है, ये टाइटल बार होता है, ये मिनिमाइज या मैक्सिमाइज और ये क्लोज, ये कैप्शन बटन होते हैं जो कि हमने शुरुआत से ही सीखते हुए आ रहे हैं। फाइल, टूल्स, विंडो, हेल्प, इनको हम मेन्यू बार बोलते हैं। इन टूल्स की बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं वेलकम स्क्रीन की। जैसे आप 17 कोरल ड्रॉ ओपन खोलोगे तो आपके सामने ये वेलकम स्क्रीन ओपन हो करके आएगा। सबसे पहले बात करते हैं गेट स्टार्टेड की। गेट स्टार्टेड में सबसे पहला ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट, आप यहां से एक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। एक है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, आप यहां पे कोई भी टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट से मेरा मतलब ये है कि जब हम शुरुआत में कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं, या जो कोई नए बच्चे जो होते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, तो 17 कोरल ड्रॉ ने क्या किया, अपने पास से कुछ बनी बनाई टेम्पलेट यहाँ पे ऐड कर दी, जिसको देख करके आप सीख सकते हैं या उसमें एडिट करके उसके जैसा बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का एक छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप फिल्टर में व्यू वाई देख रहे हैं, टाइप वाले स्टाइल में देख रहे हैं, आप इस पर करके इंडस्ट्री वाले स्टाइल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कैटेगरी बनी हुई है, जैसे ओल में है तो सारी आ जाएगी, कम्युनिटी में है तो कम्युनिटी वाली आएगी, एजुकेशन में है तो एजुकेशन रिलेटेड आएगी, जिस भी कैटेगरी में आपको देखना है उस कैटेगरी पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल है, लोकल से मेरा मतलब ये है कि जो हमारे इस जो हमारा सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ, जो भी इसके अंदर टेम्पलेट इंस्टॉल होगी यानी स्टोर होगी, वही टेम्पलेट इसके अंदर दिखाएगा, जो टेम्पलेट इंस्टॉल नहीं होगी वो इसके अंदर नहीं शो होगी। तो अगर यदि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कम्युनिटी पे यहाँ पे नो टेम्पलेट्स फाउंड दिखा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोकल पे यहाँ बटन दिखाई दे रहा है, तो आपके सामने एक ऑनलाइन एंड लोकल दोनों वाला ऑप्शन आएगा, जिस पर आप दोनों पे क्लिक करके, जैसे आप दोनों पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो इंटरनेट वाली टेम्पलेट होगी वो भी इसके अंदर यहाँ पे शो होने लगेगी। तो अभी हमारे जो कंप्यूटर का इंटरनेट है वो चल नहीं रहा है, इसलिए हम लोकल पे रहने देते हैं। हम बात करते हैं टाइप में, तो टाइप में सबसे पहले एडवर्टीजमेंट वाली देख लेते हैं, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड आएगी, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट से नहीं है रिलेटेड कोई भी टेम्पलेट। बोस्टर्स से देख लेते हैं, यहाँ पे बोस्टर्स है, जैसे आप जिसके ऊपर भी आप जाओगे टेम्पलेट के ऊपर तो यहाँ पे वो बड़ा होकर के दिखाएगा, तो वो इस तरह से स्टाइल में आप देख रहे होंगे आएगा। इसी तरह बिजनेस कार्ड्स देखने हैं तो
तो यहाँ बिजनेस कार्ड्स आपके सामने शो करके आ जाएंगे। इसके अलावा आप बिजनेस स्टेशनरी वाले में जाओगे तो यहाँ पे बिजनेस स्टेशनरी से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, जैसे ये है अपॉइंटमेंट रिमाइंडर, या इस तरह से दूसरा वाला स्टाइल है, या ये वाला स्टाइल है। आप जिस भी किसी स्टाइल पे, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला जो बिजनेस स्टेशनरी वाला है, ये वाला स्टाइल आपको बनाना है, मान लीजिए ये वाला कार्ड आपको बनाना है, तो आप इस कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा वेट करना है जब तक यहाँ पे ये आना जाए आपके स्क्रीन के ऊपर। यदि आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम और उसका प्रोसेसर i3 या i5 है, तो जितने भी आपके जो ये लेटेस्ट वर्जन होते हैं ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि इस कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर है वो इतना अच्छे वाला नहीं है, थोड़ा इसलिए स्लो चल रहा है। तो जैसे ही आपने उस टेम्पलेट पर क्लिक किया तो आपके सामने ये वाली टेम्पलेट जो है शो हो करके आ जाएगी। अगर आप कीबोर्ड का फंक्शन कीज़ का F4 दबाओगे तो इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अब आप इसमें चाहें तो जैसे यहाँ पे ये है योर टेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज़, आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे F8 दबाओगे एडिट करने के लिए, तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं चाहिए था, मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कोई नाम चाहिए था तो यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी आपको चेंज करना है आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसमें आप करेक्शन करके अपने लिए इसको तैयार कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए आपको इसके जैसा तैयार करना है तो उसका प्रिंट आउट निकाल करके आप इसको देख करके अपने माइंड में कोई आइडिया ला करके इसके जैसा भी तैयार कर सकते हैं, या इससे कुछ अलग तैयार कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट होती है, इस टेम्पलेट को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे क्लोज वाले पे तो ये क्लोज हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट का मतलब ये है कि अभी आपने हाल फिलहाल में जिस फाइल पे काम किया होगा वो यहाँ पे ओपन रिसेंट में शो हो जाएगी। तो हमने अभी कोरल ड्रॉ में कोई काम नहीं किया, इसलिए ओपन रिसेंट में यहाँ पे शो हो करके नहीं हमें दिखा रही है। इसके बाद ओपन अदर, ओपन अदर से मतलब ये है कि यदि आपके कंप्यूटर में जहाँ कहीं भी कोरल ड्रॉ की कोई फाइल सेव है, आप यहाँ पे ओपन अदर पे क्लिक करेंगे तो उस फाइल को आप इस स्क्रीन के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो जहाँ भी आपकी वो फाइल पड़ी होगी, जैसे एग्जांपल डेस्कटॉप पड़ी होगी, तो डेस्कटॉप पे जाएंगे और उस फाइल पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ ओपन कर लेंगे तो वो फाइल आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं वर्क स्पेस की। आप वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो पेजेस के स्टाइल हैं वो अलग अलग स्टाइल में ले सकते हैं। जो वर्क स्पेस है जो कोरल ड्रो आपको रिकमेंड करता है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, बाकी आप क्लासिक वाले स्टाइल पर रख सकते हैं या लाइट वाले स्टाइल में रख सकते हैं। जिस पे आप पे क्लिक करोगे, जैसे क्लासिक पे मैंने क्लिक किया, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो जैसे ही हमने क्लासिक पर क्लिक किया तो यहाँ पे क्लासिक वाला स्टाइल आप देख रहे होंगे, पेजेस है आपका ये इस तरह से आएगा। आमतौर पर हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं तो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। आप डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे डिफ़ॉल्ट होकर के आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि ये जो वर्जन है वो 17 है, इसके लिए आपके पास अच्छा प्रोसेसर यानी अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा सा ये स्लो चलता है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग स्टाइल है, आप एडवांस में इलस्ट्रेशंस वाले स्टाइल लगा सकते हैं, पेज लेआउट वाले स्टाइल लगा सकते हैं, जो भी आपको वर्क स्पेस रखना है वो अपने पेजेस के हिसाब से रख सकते हैं। आमतौर पर डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल होता है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। व्हाट्स न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी कोरल ड्रॉ से न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सामने यहाँ पे शो हो करके आती रहती है। नीड हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे कोरल ड्रॉ की वीडियो वगैरह पड़ी हुई है, आप जिस भी किसी वीडियो पे क्लिक करेंगे वो वीडियो यहाँ पे शो हो जाएगी, चलने लगेगी। आप यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ की जो भी गैलरीज हैं, जो भी यहाँ पे डिज़ाइंस बने हुए हैं, वो सारे के सारे डिज़ाइंस यहाँ आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई
दिखाई देने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे गैलरी में ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टाइल बने हुए हैं, आप जिसके ऊपर भी कर्सर लेके जाओगे वो बड़ा होगा, साइड में दिखाता रहेगा। और उसके अलावा जब भी आप जा रहे हो तो यहाँ पे वो इसका जो वेबसाइट की लिंक है, यानी जहाँ से ये वेबसाइट, जहाँ से डिज़ाइन बनाया है, जिसने ये डिज़ाइन बनाया हुआ है उसका एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हो कि ये जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया है। तो यहाँ से गैलरीज हैं कोरल ड्रॉ की, जितने भी डिज़ाइन बने हुए हैं सबके यहाँ पे एड्रेस वगैरह है। आप जिस पे इमेजेस पे जाओगे उसके लिंक पे यहाँ पे क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं, यानी डिज़ाइन पे जानकारी ले सकते हैं कि ये डिज़ाइन आपके किसने तैयार किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे अपडेट्स आते हैं, जो भी कोरल ड्रॉ के अपडेट्स आते हैं वो आपको यहाँ पे अपडेट्स में मिलेंगे। जैसे अभी देयर आर नो अपडेट्स अवेलेबल, अभी कोई अपडेट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये 17 का लेटेस्ट ही वर्जन है। कोई अपडेट जो आया था लास्ट वाला वो मैंने अपडेट कर लिया था। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक नोटिफाई मी ऑफ अवेलेबल प्रोडक्ट अपडेट्स, न्यूज़ एंड ट्यूटोरियल्स। जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा इससे, ट्यूटोरियल से या प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसका आपको नोटिफिकेशन शो हो तो ये चेकबॉक्स पर टिक कर देंगे, नहीं हो तो नहीं रहने देंगे। ऐसे ही अगर कोई नोट यदि कोई लेटेस्ट अपडेट आए, अगर आपने ऑटोमेटिकली डाउनलोड वाले पे कर दिया तो क्या होगा, जो अपडेट्स आएगा वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करता रहेगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन आती रहेगी, शो आपके स्क्रीन के ऊपर बार बार चलती रहेगी। तो इससे क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है वो स्लो हो जाता है। तो हम इसका इस्तेमाल तभी करते हैं जब महीना या 1.5 महीना हो जाता है, एक बार देख लेते हैं कि कोई अपडेट्स आया है या नहीं आया है, तो जब इसके ऊपर चेकबॉक्स पर टिक लगा देते हैं। फिलहाल हम इस चेकबॉक्स पर टिक नहीं लगा रहे हैं, आप चाहो तो आप लगा सकते हैं अगर आपको इसका अपडेट्स वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह डेली चाहिए तो, या जब भी नोटिफिकेशन या अपडेट आएंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद ये कोरल ड्रॉ की साइट है, coraldraw.com, यहाँ पर आप इसकी साइट देख सकते हैं। मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पे ऑलवेज शो द वेलकम स्क्रीन एट लॉन्च पे चेकबॉक्स पे टिक लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप कोरलड्रो को ओपन करोगे तो आपके सामने ये वेलकम स्क्रीन हमेशा शो होती रहे, तो इस पे रहने देंगे चेकबॉक्स पे टिक, अगर नहीं चाहिए तो हटा देंगे, फिर आपके सामने वेलकम स्क्रीन शो नहीं होगी। चलिए मैं इसके रहने देता हूँ। अब बात करते हैं गेट स्टार्टेड में न्यू डॉक्यूमेंट की। न्यू डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एक छोटी सी पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। और शुरुआत में आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, अभी हमने कोई नाम नहीं दिया इसलिए इसने बाय डिफॉल्ट अनटाइटल्ड वन ले लिया है। आपको यहाँ पे इसका नाम अगर रखना है फाइल का, जो भी जिस फाइल पर आप काम करने वाले हैं उस फाइल का आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ दीपक फाइल वन, ऐसी एग्जाम्पल मैंने दे दिया। इसके बाद प्रीसेट डेस्टिनेशन है, अभी बात करते हैं क्या होता है। प्रीसेट डेस्टिनेशन में जैसे कोरल ड्रो डिफॉल्ट है, आमतौर पर कोरल ड्रो डिफॉल्ट ही रहता है, ये अलग अलग इसके डेस्टिनेशन के मोड होते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो आमतौर पर डिफॉल्ट ही रहता है कोरल ड्रो। इसके बाद बात करते हैं साइज की, जो आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसका साइज क्या होगा। हालांकि ये जो सेटिंग होती है ये हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए हमें कोई साइज या कोई डिज़ाइन तैयार करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं शुरुआत में, और बाद में हम इसको तैयार कर सकते हैं डिज़ाइन को। तो यहाँ से साइज ले लेंगे, आमतौर पर लेटर या A4 साइज होता है, जो कि हम आमतौर पर ये वाइट पेपर जो देखते ही हैं। तो यहाँ से आप साइज ले लेंगे, हम A4 का साइज ले लेते हैं। या इसके अलावा आपके पास प्रिंटर कौन सा है वो आप यहाँ से चूज कर लोगे, जो भी आपको साइज रखना है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे साइज इसके अंदर मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे जो ये आपका पेज होगा, उस पेज को मापने के लिए जो रूलर उसके ऊपर आएगा वो रूलर मान लीजिए मिलीमीटर्स में मापना है, या आपको पॉइंट्स में मापना है, पिक्सल में मापना है, तो यहाँ पे आप फीट में मापना है, वो यहाँ से आप इस जो भी आपको रूलर लेना है वो ले लेंगे। मान लीजिए मुझे सेंटीमीटर में मापना है तो आप सेंटीमीटर्स ले लेंगे। इसके अलावा पोर्ट्रेट यानी कि लंबाई में रखना है, लैंडस्केप यानी कि चौड़ाई में रखना है, तो आमतौर पर हम पोर्ट्रेट ही रखते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ पेजेस,
कितने आपको पेजेस चाहिए, मान लीजिए मुझे एक ही पेजेस चाहिए, अगर आपको बढ़ाना है तो ऊपर वाले पे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करके जितने पेज चाहिए उतने पेज आप लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक ही बनाना है तो आप यहाँ पे एक ही डाल दोगे। इसके बाद आगे बात करते हैं प्राइमरी कलर मोड के बारे में। प्राइमरी कलर मोड को समझने के लिए इसमें सबसे पहले ऑप्शन है RGB। RGB का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं और उसको आपको प्रिंट नहीं कराना है, केवल मान लीजिए आप उसको वेबसाइट के लिए अपलोड करना है, या मान लीजिए आपको अपने व्हाट्सएप की इमेज पर लगाना है, या मान लीजिए आपको सोशल मीडिया पर शेयर करना है जैसे फेसबुक वगैरह पर शेयर करना है, या मान लीजिए आपको कंप्यूटर पर देखना है, यानी डिजिटली अगर आपको देखना है तो उसके लिए आप रखेंगे RGB फॉर्मेट में। यदि मान लीजिए आप कोई ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं जिसे आपको प्रिंट कराना है तो उसके लिए आप CMYK में रखते हैं। RGB का जो फुल फॉर्म होता है, R से मतलब होता है रेड, G से मतलब ग्रीन और B से मतलब ब्लू। अगर CMYK से बात करते हैं तो C से मतलब सियान, M से मतलब मैजेंटा, Y से येलो और K से ब्लैक। तो आम तौर पे जो जितने भी डिज़ाइन होते हैं, प्रिंटर होते हैं, वो सारे के सारे CMYK से जो कलर होते हैं CMYK होते हैं उनके अंदर, तो हम आमतौर पे CMYK सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकालना, केवल आपको स्क्रीन को देखने के पर्पस से निकालना है या वेबसाइट पे अपलोड करने के पर्पस से निकालना है तो आप RGB फॉर्मेट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे DPI है, रेजोल्यूशन जो होता है, जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा सीधी सी बात है उतना अच्छा क्वालिटी का प्रिंट आउट आएगा। तो आमतौर पर जो प्रिंटर होते हैं वो 600 DPI तक होते हैं, आप इसे अगर चाहो तो 300, जैसे इसमें 300 DPI है तो यहाँ पे 300 DPI ले लेंगे, तो 300 DPI पे बेस्ट क्वालिटी का प्रिंट निकलता है। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, जितने ज़्यादा डॉट होंगे उतना ही अच्छा, उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट निकलेगा। इसके बाद प्रीव्यू मोड होता है, आपको प्रीव्यू मोड कैसा रखना है, आमतौर पे एनहेंस्ड ही रहता है, आप पिक्सल में चाहो, नॉर्मल में चाहो, ड्राफ्ट में चाहो रख सकते हैं, तो हम एनहेंस्ड ही रख लेंगे, ये कोरल ड्रॉ सजेस्ट करता है हमें। और भी सेटिंग, आप यहाँ से कलर वगैरह की सेटिंग चाहो तो कलर वगैरह की सेटिंग देख सकते हैं, ये आमतौर पर बाई डिफ़ॉल्ट रहती है, जो हमारे जो कलर की सेटिंग होती है वो हम यहीं पर कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। इसके बाद डू नॉट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन, अगर इस पर चेकबॉक्स पर टिक लगा के ओके कर दोगे तो ये बार बार आपके सामने शो नहीं होगा। अभी इस पर हम ओके पे चेकबॉक्स पर टिक नहीं लगा रहे, हम खाली ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करते हैं थोड़ा सा वेट करने के लिए पूछेगा, तो आपके सामने जो आपने पेज तैयार किया था A4 साइज का पोर्ट्रेट में, वो आपके सामने शो हो करके आ जाएगा। तो जैसे ही हम ये पेज क्रिएट कर लेंगे, पेज क्रिएट करने के बाद अब हम बात करते हैं कोरल ड्रॉ के शुरुआत से। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये टाइटल बार होता है, ये जो दूसरे नंबर पे है ये आपके मेन्यू बार कहलाए जाते हैं, अलग अलग मेन्यू है, फाइल है, एडिट है, व्यू है, लेआउट है, ऑब्जेक्ट है, इफेक्ट है, ये सारे के सारे मेन्यू होते हैं। और जो 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 ये मेन्यू के अंदर जो ये प्रोग्राम दिखाई देते हैं ये इनके सब मेन्यू होते हैं, तो इनके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे। इसके नीचे अगर इसकी हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा स्टैंडर्ड टूल बार होता है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा प्रॉपर्टी बार कहलाया जाता है। यहाँ जो लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे टूल बार होते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी बार है वो इन टूल्स बार के एक्टिव होने पे ही चेंज होते हैं। जैसे अभी हमने पिक टूल ले रखा है तो पिक टूल के हिसाब से यहाँ पेज वाले प्रॉपर्टी बार यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है। अगर मान लीजिए मैं शेप टूल ले लूँगा, या मान लीजिए मैं यहाँ ये रेक्टेंगल टूल ले लूँगा और यहाँ पर ड्रॉ कर दूँगा, तो क्या होगा, वो रेक्टेंगल का जो टूल्स बार है, जो रेक्टेंगल जो हमने ड्रॉ किया है उसी के हिसाब से ये प्रॉपर्टी बार भी चेंज हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी बार जो है वो टूल्स बार के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। टेक्स्ट वाला लेंगे तो वो टेक्स्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी बार चेंज हो जाएगा, आप टेक्स्ट यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट का प्रॉपर्टी बार यहाँ पे शो हो जाएगा। वापस हम चलते हैं।
इसको भी डिलीट कर देते हैं। टूल्स बार के बाद बात करते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रूलर होता है, ये हॉरिजॉन्टली रूलर कहलाया जाता है और ये वर्टिकली रूलर कहलाया जाता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मापने के काम में आता है। अभी हमने जब पेज क्रिएट किया था तो वहाँ पे हमने रूलर जो था वो सेंटीमीटर में लिया था। इसके बाद ये राइट साइड में बात करते हैं, ये कलर बॉक्स होता है यानी कि कलर पैलेट कहलाया जाता है। यहाँ पे सामने जो कलर्स हो रहे हैं ये तो इसके अंदर है ही, इसके अलावा जो नीचे ये एरो है अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और भी जो इसके अंदर कलर होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर से कलर हमें शो होने शुरू हो जाएंगे। कलर पैलेट के बाद ये वर्टिकल स्क्रॉल बार कहलाया जाता है। आप यहाँ से क्लिक करके अगर नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो नीचे की तरफ पेज आएगा, क्लिक करके दबा के रखेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ऊपर की तरफ आएगा। इसके अलावा इनके नीचे बटन भी, आप चाहो तो इन बटन पर क्लिक करके भी ऊपर नीचे इसको खिसका सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार होता है, आप इसको लेफ्ट या राइट में यहाँ से लेके जा सकते हैं। यहाँ पे नीचे ये जो है ये स्टेटस बार है, आप जब कोई भी इस पर शेप वगैरह ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती रहती है, कितना साइज का है या क्या है, तो ये स्टेटस बार कहलाया जाता है। पूरी डिटेल आपको पेज की दिखाता है यहाँ पे। यहाँ पे ये पेजेस होते हैं, जैसे अभी एक पेज है तो यहाँ पे एक का एक दिखा रहे हैं। अगर आपको पेज ऐड करने हैं तो इस प्लस वाले साइन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पेज और ऐड हो जाएगा, क्लिक करेंगे एक पेज और ऐड हो जाएगा। आप जितने चाहो यहाँ से उतने पेज ऐड कर सकते हैं। अब तीन पेज हैं, अब हम तीसरे पेज के पहले पेज पर हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ पे एक मैग्नीफायर का साइन सा बना हुआ है। अगर आप इसके ऊपर ले जा कर के क्लिक करते हैं और दबा के रखते हो तो यहाँ पे वो शो करके दिखा देगा कि आपके पेज पे कितनी ऑब्जेक्ट बनी हुई है। अगर मान लीजिए पेज इस साइड चला गया और हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मान लीजिए हमें पता नहीं है कि इस पे कितनी ऑब्जेक्ट है, और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पूरे पेज पे दिखा देगा कि ऑब्जेक्ट और कहाँ पर बनी हुई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो इसने पूरे के पूरे दिखा दिया अपने आप। बात वापस पिक टूल पर जाते हैं। पिक टूल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप जो भी काम करेंगे वो बिना पिक टूल के नहीं होगा। आप कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे लेकर के आएंगे तो वो पिक टूल से ही होगी, चाहे आप शेप को बनाओ और बिना पिक टूल के आप इसे इधर उधर नहीं खिसका सकते, तो शेप पिक टूल के बाद ही आप इसको इधर उधर खिसका सकते हैं। क्लिक करके आपको दबा के रखना है और ड्रॉ करोगे तो इधर उधर आ जाएगी। तो पिक टूल का जो इस्तेमाल है अभी हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे। इसके आगे बात करते हैं, जो भी आपके सामने टूल्स बार ओपन हो रहे हैं, जैसे ये टूल्स बार है, ये कलर्स हैं, ये मेन्यू बार हैं, ये स्टैंडर्ड बार हैं, आप इन सबको टूल्स बार या कलर्स बार्स को शो या हाइड भी कर सकते हैं। शुरुआत में हम बेसिक चीज़ों की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बारीक चीज़ होती है, अगर ये आपको अच्छे से पता है तो जो भी आप डिज़ाइन करते हैं और आपके सामने किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है, कोई टूल शो नहीं हो रहा है या कोई जो आपको टूल्स चाहिए वो नहीं आ रहा है, तो वो किस तरह से आएगा, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप जहाँ जहाँ कहीं भी आप राइट क्लिक करोगे यहाँ टूल्स बार के पास, तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि जैसे मेन्यू बार है, ये मेन्यू बार है, इस पर चेकबॉक्स पर टिक लगा हुआ है तो शो हो रहे हैं, हटा दोगे तो हट जाएगा। दोबारा राइट क्लिक करेंगे, चेकबॉक्स इस पर टिक लगा देंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही आपको जो भी चाहिए, टूल्स बार चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो टिक हटा दोगे, अगर चाहिए तो आ जाएंगे। ऐसी जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो रख सकते हैं, प्रॉपर्टी बार नहीं रखना तो हटा देंगे, रखना है तो आ जाएगा। तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से किसी भी टूल्स बार, प्रॉपर्टी बार, मेन्यू बार, जो भी आपको यहाँ पे शो करने हैं उस पर चेकबॉक्स पर टिक लगा देंगे, जो नहीं करने उस पर हटा देंगे। इसके अलावा आपको जो भी चाहिए, जैसे मान लीजिए जूम टूल चाहिए तो जूम पर आप चेकबॉक्स पे टिक कर देंगे तो यहाँ पे जूम टूल्स ओपन हो जाएगा। ऐसे ही अगर टेक्स्ट पे करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा। लेआउट ट्रांसफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। आपको जो भी चाहिए आप उस पर चेकबॉक्स पे टिक कर सकते हैं और वो सामने आपके शो हो जाएगा। तो अभी मान लीजिए मुझे इसको हटाना है, जो बाई डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रॉ की तरफ से होते हैं हम उन्हीं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें इनमें से कोई चीज़ यहाँ पर चाहिए तो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा जैसे ये प्रॉपर्टी बार होते हैं या ये मेन्यू बार होते हैं, आप जैसे यहाँ पे नीचे इन टूल्स बार के यहाँ पे नीचे प्लस के साइन पाएंगे, तो यहाँ पे जिस भी चेक बॉक्स पे टिक लगा होगा वो यहाँ पे शो होगा। जैसे पिक टूल, जैसे ऐसा मान लीजिए जैसे मैं पिक टूल पे क्लिक करता हूँ डायरेक्ट पिक टूल आएगा, लेकिन आपको पिक टूल के नीचे भी एक काला सा बटन दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करके दबा के रखते हैं तो इसके अंदर जो भी टूल्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर फ्री हैंड पिक टूल है, फ्री ट्रांसफॉर्म है, इसी तरह यहाँ पे जब प्लस के साइन पे है आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो टूल्स यहाँ पे चाहिए उस पर आप चेक बॉक्स पे टिक लगा रहने देंगे, जो नहीं चाहिए उस पर से चेक बॉक्स पे टिक हटा देंगे। तो यहाँ से भी आप टूल्स को शो या हाइड कर सकते हैं। इसी तरह जैसे यहाँ पे कलर्स है, अभी हमने कलर्स के बारे में जब पेज इंसर्ट हमने किया था तो उसमें हमने RGB और CMYK के बारे में जाना था। जो ये कलर है ये डिफ़ॉल्ट रहते हैं, आप चाहो तो यहाँ से विंडो में जा कर के कलर पैलेट पे जा करके, जैसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैलेट है तो डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे। अगर आपको खाली डिफ़ॉल्ट पैलेट में CMYK ही होता है, अगर आप खाली CMYK पैलेट करोगे तो CMYK पैलेट वाले स्टाइल आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आप किसी वेबसाइट के लिए कोई लोगो या कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं या केवल डिजिटल देखने के लिए कोई तैयार कर रहे हैं, तो आप इन दोनों पर से चेकबॉक्स पे टिक हटा देंगे और यहाँ पे RGB आप यहाँ पे रखोगे। तो RGB आप देख रहे होंगे थोड़ा लाइटली होता है, मतलब थोड़ा जो उसकी क्वालिटी होती है वो CMYK से ज़्यादा बेटर होती है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जब आप किसी वेब वगैरह पे काम करें तो आप इन दोनों से चेकबॉक्स पे टिक हटा सकते हैं। तो हम जो है अभी RGB पे से टिक हटा देंगे और केवल हम CMYK पे ही रखेंगे। डिफ़ॉल्ट वाले कर लेते हैं, खाली एक ही रहने देते हैं, पहले जैसा जैसा था पहला ही कर लेते हैं। तो हम पहले जैसा पेज था हमारा जो सिंगल कलर था डिफ़ॉल्ट वाला, उसी स्टाइल में आ गए हैं। इसी तरह कलर में हम उसी स्टाइल में आ गए हैं। अभी हम इसी तरह कलर में, अगर यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो कलर के ऊपर यहाँ एक बटन दिखाई दे रहा है जहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैलेट है, आप इस पर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे रो है, रो पे यहाँ पर अगर सिंगल रो है तो सिंगल रो में स्टाइल में कलर आ रहे हैं, अगर हम इस रो को डबल कर देंगे तो दो रो में आएंगे, यदि हम तीन पर कर देंगे तो यहाँ पे तीन रो में यहाँ पे कलर आ जाएंगे जो भी इसके अंदर होंगे। तो हम फर्स्ट पे रहने देते हैं। इसी तरह इसके नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपको ये दो एरो वाले साइन दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट में जो भी कलर होंगे वो सारे के सारे आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे राइट हैंड साइड में शो हो जाएंगे। वापस इस पे क्लिक कर देंगे तो वापस पहले की तरह ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में ये सारा का सारा आपने इंट्रोडक्शन सीखा कि पेज कैसे इंसर्ट होता है, कलर के स्टाइल कैसे होते हैं, मेन्यू बार क्या होता है, टूल्स बार कैसे होते हैं, इन्हें शो कैसे कर सकते हैं, हाइड कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टूल्स से काम कैसे करते हैं या इन मेन्यू बार का इस्तेमाल कैसे होता है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, आज आप इतनी ही प्रैक्टिस करके देखेंगे।